यूज कर रहे हैं, इतने शानदार प्रोडक्ट हैं कि हमारे आरसीएम के प्रोडक्ट से और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के प्रोडक्ट से कोई भी व्यक्ति गणना नहीं कर सकता। इतने गंगा जैसे पवित्र कि कोई मिलावटी नहीं है हम लोगों के पास आ रहा है खूबसूरत बिजनेस में जुड़ने के बाद। और मैं सेवन कार्डियंस रूल के बारे में बताने का प्रयास करता हूँ जो गुरु के माध्यम से आपके माध्यम से सीखा हूँ। सबसे पहला है सर, सिस्टम के अनुमति के बिना किसी भी नए तरीके का पालन न करें। हमको विशेष रूप से जो कि ध्यान देने की जरूरत है, इस बिजनेस में आ गए हैं हम, तो सिस्टम के अनुमति के बिना हम नए तरीके का पालन न करें। जो सिस्टम अलाउ करता है उसी सिस्टम को आधार पे हमको कार्य करने की जरूरत है। और अगर हमारे मन में कभी ऐसा विचार आता है तो हम बिना अपने अपलायन की आज्ञा से, बिना गुरुदेव की आज्ञा से हम कोई नया सिस्टम अपनाने का प्रयोग न करें। दूसरा है, अपने डाउनलाइन और क्रॉसलाइन में नकारात्मक न फैलाएं। हमारे जो डाउनलाइन होते हैं वो लाइफ लाइन होते हैं और क्रॉसलाइन, हमको प्रयास करना चाहिए कि निश्चित रूप से कि हमको कभी भी नकारात्मक प्रोडक्ट के प्रति या कोई भी कंपनी के प्रति हमको नकारात्मक फैलाना फैलाना ही नहीं है। तीसरा है सर, किसी के पैसे और परिवार और भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। इस बिजनेस में जो कि हमारे बहन भी हो सकते हैं, हमारे भाई भी हो सकते हैं, हमारी माँ भी हो सकती हैं, तो हम किसी के पैसे और भावनाओं परिवार के साथ हमको खिलवाड़ नहीं करना है। जो कि इस बिजनेस में आके हमको सीख देती है, सिखाती है कि हमको ऐसा जो कि गलत काम नहीं करना है। चौथा है सर, किसी की भी शिकायत बुराई आलोचना नहीं करना है। ये इम्पोर्टेंट बात है सर कि हम किसी का भी शिकायत बुराई और आलोचना न करें। अगर आज हम किसी का शिकायत करते हैं या बुराई करते हैं या आलोचना करते हैं, तो कल भी कोई व्यक्ति मेरा भी आलोचना करेगा, बुराई करेगा, शिकायत करेगा। हमको इस बात पे 100% खरा उतरना है। पांचवा है सर, अपनी क्रॉस लाइन के साथ अपने व्यवसाय के बारे में बात न करें। क्रॉस लाइन का मतलब होता है कि जैसे समझ लीजिए सर कि मैं ए लिखता हूँ, कोई भी लीडर के जो कि सीनियर लीडर है या जूनियर लीडर, उनके बी लिखते, तो हम उनके साथ अपने व्यवसाय के बारे में कभी भी हमको बात नहीं करना है। छठवां है सर, शराब न पिए और जहरीली चीजों का सेवन न करें। हमको विशेष रूप से जो कि ध्यान देने की जरूरत है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो हमको ये मादक पदार्थों जैसा को सेवन नहीं करना है, हमको दूर रहना है इससे। और जो हमारे साथी है हम प्रयास करें कि वो भी इससे दूर रहें। सातवां है सर, झूठ मत बोलो, दिखावा मत करो और अपनी प्रशंसा खुद प्रशंसा मत करो। हमको कभी भी झूठ नहीं बोलना है, चाहे प्रोडक्ट के प्रति हो या सिस्टम के प्रति हो। जो हमको जानकारी है हम वही लोगों के साथ शेयर करें, वही बताएं। और हमको कभी भी दिखावा नहीं करना है, हमको कभी भी झूठ नहीं बोलना है, अपनी खुद प्रशंसा नहीं करना है। बहुत बहुत आभार रत्नेश सर, आप हमको समय दिए और आप लोगों के माध्यम से जो मैं सीखा हूँ बताने का प्रयास किया, जो गलती हो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सर। जय हिंद, जय भारत, जय अर्थियम सर।